हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। नाउ लेट्स विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, नो योर कीबोर्ड। सो दिस लेसन ऑलरेडी वी हैड डन इन आवर लास्ट क्लास। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज फर्स्ट वी विल सी व्हाट यू हैड डन इन दिस लेसन। सो इन दिस लेसन वी हैड डन अबाउट अ की, अबाउट अ कीज। सो विच टाइप ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड, which types of keys present on our keyboard. In our keyboard there have a lots of keys. In our keyboard there have a lots of keys, and that keys is used for a type. That keys used for a type like that when we want to write on our notebook. So for that we are using the pencil and pen. So like that when we want to write any things on our computer, so for that we need a keyboard. This is the keyboard. This one is the keyboard. In our keyboard there have a 104 keys. In our keyboard there have a 104 keys. So keys means that all small buttons in that present on our keyboard, this is known as the keys. And we type by pressing the keys on the keyboard of the computer. कंप्यूटर में हम कीज का यूज़, कीबोर्ड का यूज़, अगर हमें कुछ टाइप करना है, कमांड देनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो विच टाइप्स ऑफ कीज वी हैड डन, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की, दीज आर द कीज प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड। ये सारे कीज हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट इज द अल्फ़ाबेट की। सो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज। यस स्टूडेंट्स, करेक्ट, देर हैव अ 26 अल्फ़ाबेट कीज। हमारे कीबोर्ड में कितने कीज होती है? 26 अल्फ़ाबेट कीज। देन नेक्स्ट इज द नंबर की। हाउ मेनी नंबर्स की? स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ मेनी नंबर्स की? इन आवर कीबोर्ड देर हैव अ 10 नंबर्स की। कितने नंबर्स की होती हैं? 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 0 तक 10 नंबर्स की होती है। हाउ मेनी नंबर्स की? 10 नंबर्स की। एंड हाउ मेनी अल्फ़ाबेट की? इन आवर कीबोर्ड देयर हैव अ 26 अल्फ़ाबेट की। ए से लेकर जेड तक देयर हैव अ 26 अल्फ़ाबेट की। नेक्स्ट इज द स्पेस बार की। द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड, हमारी कीबोर्ड की सबसे बड़ी वाली बटन ये डाउन साइड पे होती है। द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड, दिस की इज नोन एज द स्पेस बार की। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की। Why we are using the space bar key? Yes student, yes, we are using the space bar key for give the space between the two words. अगर हमें two words के बीच में अगर हमें क्या देनी है? स्पेस देनी है, जगह छोड़नी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेस बार की। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड में ये सबसे बड़ी क्या होती है? कीज होती है। दिस इज नोन एज द स्पेस बार की। देन नेक्स्ट की इज द एंटर की। इन आवर कीबोर्ड देयर हैव अ 2 सेट्स ऑफ एंटर की। हमारे कीबोर्ड में 2 सेट्स होती है एंटर की। सो वन इज हियर, यहाँ पे है एक जो अल्फाबेट लेटर के साइड पे है, और नेक्स्ट वाली एंटर की यहाँ पे जो न्यूमेरिक की पैड है वहाँ पे है। सो इन आवर कीबोर्ड देयर हैव अ 2 सेट्स ऑफ एंटर की, एंड दैट बोर्ड की इज यूज फॉर द मूव टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे हम हमारे नोटबुक में लिखते हैं, तो वन लाइन खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, वन लाइन फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। सेम अगर हम
कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं, वन लाइन फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन पे, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन द प्रेस द बैकस्पेस की, उसके बाद सेकंड लाइन पे यहाँ पे आगे, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर की का दबाएंगे। एंटर की जब हम क्लिक करते हैं, दबाते हैं, तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव होते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव होते हैं। सो दिस टू टाइप्स ऑफ एंटर की प्रेजेंट ऑन अवर कीबोर्ड, कीबोर्ड में ये दोनों टाइप्स के एंटर की प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज द बैकस्पेस की। बैकस्पेस की एंड डिलीट की बोथ आर द यूज फॉर द इरेज। दोनों का भी यूज़ किसके लिए किया जाता है, इरेज के लिए किया जाता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द बैकस्पेस की एंड डिलीट की। सो व्हेन वी आर क्लिकिंग द बैकस्पेस की, सो दैट टाइम एनीथिंग इज इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो ये जो कर्सर है, कर्सर की लेफ्ट वाली साइड कौन सी है, ये। तो जैसे हम बैकस्पेस की को दबाएंगे तो कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से इरेज हो जाए, कौन से साइड से इरेज हो जाएगा, लेफ्ट साइड से इरेज हो जाएगा। एंड व्हेन वी आर क्लिकिंग द डिलीट की, सो दैट टाइम एनीथिंग इज इरेजेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट वाले साइड से होगा। जैसे यहाँ पे कर्सर है, कर्सर की राइट वाली साइड कौन सी, ये वाली। तो हम यहाँ पे कर्सर लाके अगर हम डिलीट की दबाएंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इरेजिंग। सो दिस वी हैड डन इन आवर लास्ट क्लास। नाउ लेट्स विल सी ट्रिकी टर्म। सो फर्स्ट इज द अल्फाबेट की। सो व्हाट इज द अल्फाबेट की, दे आर यूज फॉर द टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस। अल्फाबेट की दे आर यूज फॉर टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो अल्फाबेट की होती है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टाइप करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, क्या टाइपिंग करने के लिए, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ये जो आपको यहाँ पे लिखा है अल्फ़ाबेट की, अगर ये अगर हमें कंप्यूटर में टाइप करना है, ये जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज लिखा है, अगर उसको हमें कंप्यूटर में लिखना है तो इसके लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट की। फॉर दैट वी विल यूज़ द अल्फ़ाबेट की। देन नेक्स्ट इज द नंबर की। नंबर की नेक्स्ट इज द नंबर की, दे आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। सो व्हेन वी वांट टू टाइप एनी नंबर्स ऑन आवर, व्हेन वी वांट टू टाइप एनी नंबर्स ऑन आवर कंप्यूटर, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द नंबर की। अगर हमें कुछ नंबर टाइप करना है, अगर हमें कुछ नंबर टाइप करना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, नंबर की। देन नेक्स्ट इज द स्पेस बार की। इट इज़ द यूज टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस। अगर हमें ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करना है टू वर्ड के बीच में, अगर हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस छोड़नी है, तो उसके लिए हम स्पेस बार यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ईट इज लिखा है, ईट के बाद यहाँ पे एट के बाद यहाँ पे जगह छोड़ी है इज लिखने के लिए। तो ऐसा अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर की कौन सी की दबाएंगे, कीबोर्ड की कौन सी की दबाएंगे, स्पेस बार की। सो दिस इज द स्पेस बार की। एंड स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड की सबसे बड़ी कीज होती है स्पेस बार की। देन नेक्स्ट इज द एंटर की। सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल वाई वी आर यूजिंग द एंटर की। यस स्टूडेंट, यस करेक्ट। सो एंटर की वी आर यूजिंग फॉर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो उसके लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द बैकस्पेस की। देन नेक्स्ट की इज़ द बैकस्पेस की। सो व्हाई वी आर यूजिंग द बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज यूज फॉर द इरेज। बट व्हेन वी आर क्लिकिंग द बैकस्पेस की, सो स्टूडेंट फ्रॉम विच साइड ऑफ इरेजिंग फ्रॉम द कर्सर, सो दैट टाइम एनीथिंग इज इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। जो कर्सर होगा उसके लेफ्ट वाले साइड से इरेज होगा, जो भी कर्सर है उसके लेफ्ट वाले साइड से इरेज होगा जब हम कौन सी की दबाएंगे, बैकस्पेस की। नेक्स्ट इज द डिलीट की।
So when we are using the delete key, so student, that time from which side of erasing? That time erasing from the right side of the cursor. जो कर्सर होगा उसके राइट वाले साइड से इरेज होगा. सो दिस आर द डिफरेंट बिटवीन द बैक स्पेस की एंड डिलीट की. सो व्हेन वी आर क्लिकिंग द बैक स्पेस की, दैट टाइम इरेजिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, एंड व्हेन वी आर क्लिकिंग द डिलीट की, दैट टाइम इरेजिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर. देन नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन पेज नंबर 38, computer manners. So when we are sitting in the computer lab, so how we can see? So now look at here, the keys on the keyboard should be pressed gently. Press hard on the keys can damage the keyboard. जब हमारे कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तब हमें उसको धीरे से अच्छे से जेंटली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो कीबोर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा. तो जब हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं कुछ टाइप करने के लिए तो हमें कीज़ को अच्छे से जेंटली प्रेस करना चाहिए, अदरवाइज हमारा कीबोर्ड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है. सो विच करेक्ट पिक्चर, दिस इज द करेक्ट पिक्चर फ्रॉम दैट बुक. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज, लुक एट द कीज़ गिवन बिलो, कैन find the numbers of alphabet and numeric keys, write them the space provide. So now look at here, यहाँ पे क्या दी है, numbers दी है, alphabet keys दी है और numbers की दी. तो सबसे पहले हमें count करना है कि alphabet keys कितनी है और next हमें count करना है कि numbers की कितनी. So how many alphabet keys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many alphabet key? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And how many numbers key? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number key also 6. Alphabet key is also 6 and numbers key is also 6. So this already we had done. Now question number 2. Color the keys best friend name green and keys your roll number in orange. तो ये ऑलरेडी हमारा डन हो गया है. आपके जो बेस्ट फ्रेंड का नाम है, पहले यहाँ पे आप बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो और यहाँ पे उसको ग्रीन कलर करना है, और जो भी आपका कीज यूअर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है उसको कौन सा कलर करना है, ऑरेंज नंबर, यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह पे आपको शो करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए, वो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट करना है. सो फर्स्ट वर्ड 2, सेकंड कीज, थर्ड एंटर, फोर्थ स्पेस बार एंड फिफ्थ नंबर इज द की बोर्ड. सो फर्स्ट नंबर, वी नीड अ फिलिंग द ब्लैंक्स टू राइट ऑन अ कंप्यूटर. जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड की पड़ती है, सीपीयू की पड़ती है या मॉनिटर की. तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कीबोर्ड. जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है, राइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें नोटबुक में कुछ लिखना है, नोटबुक में अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल एंड पेन. उसके लिए हमें पेंसिल एंड पेन की ज़रूरत पड़ती है. सेम जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. सो दिस वन इज़ द कीबोर्ड. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द कीबोर्ड. वी नीड अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर. देन बी नंबर, यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग ब्लैंक्स ऑन अ कीबोर्ड. जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है, कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं, तब उस समय हम क्या प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के क्या प्रेस करते हैं. सो दैट टाइम वी आर प्रेसिंग द कीज़. तब हम क्या दबाते हैं, कीज़. देन सी नंबर, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक सेट ऑफ नंबर कीज. हमारे कीबोर्ड में नंबर्स की के कितने सेट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारे कीबोर्ड में नंबर्स
की के टू सेट्स होते हैं। टू सेट मतलब नंबर की टू जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक अल्फाबेट की के ऊपर और एक यहाँ पे राइट साइड पे। सो देयर हैव अ टू सेट्स ऑफ नंबर की, देयर हैव अ टू सेट्स ऑफ नंबर की। सो थर्ड नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स इज द टू। देन डी नंबर, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द फिलिंग द ब्लैंक्स। उसको क्या बोला जाता है, जो लॉन्गेस्ट की होती है हमारे कीबोर्ड में, ये वाली लॉन्गेस्ट की हमारे कीबोर्ड की, उसको क्या बोला जाता है, स्पेस बार की। दिस इज नोन एज द स्पेस बार की। देन ई नंबर, द ब्लैंक्स कीज इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं वन लाइन फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं, सेम व्हेन वी वांट टू राइट ऑन आवर कीबोर्ड्स एंड वन लाइन इज फिनिश, नाउ वी वांट टू गो नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम कौन सी की दबाते हैं, एंटर की। दिस इज द एंटर की। सो ई नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स इज एंटर की। देन क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सो फर्स्ट नंबर, द बैक स्पेस की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर से इरेज होता है, यस दिस वन इज द ट्रू। जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब लेफ्ट साइड से इरेज होता है। देन बी नंबर, अल्फाबेट कीज आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस। अल्फाबेट कीज का यूज हम वर्ड्स एंड सेंटेंस को टाइप करने के लिए करते हैं, यस आर नो, यस दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू। द स्पेस बार की यूज फॉर द इंसर्ट ब्लैंक स्पेस। स्पेस बार की इज यूज फॉर द इंसर्ट ब्लैंक लाइन। यहाँ पे लाइन वर्ड आ गया है, अगर लाइन के जगह पे यहाँ पे स्पेस होते हैं, हम ब्लैंक लाइन देने के लिए करते हैं क्या स्पेस बार की का, नहीं, वो हम स्पेस छोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, लाइन। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। देन डी नंबर, द एंटर की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड। सो एंटर की लॉन्गेस्ट की होती है हमारे कीबोर्ड में, स्टूडेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स बिकॉज लॉन्गेस्ट की ऑन आवर कीबोर्ड इज द स्पेस बार की। कौन सी की होती है, स्पेस बार की होती है। हियर इज राइटिंग द एंटर की, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर की लिखा है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। देनी नंबर, देयर आर द टू सेट्स ऑफ अल्फाबेट कीज ऑन आवर कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में टू सेट्स होते हैं अल्फाबेट कीज के, नो दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स बिकॉज इन आवर कीबोर्ड अल्फाबेट कीज का वन सेट होता है। किसके टू सेट्स होते हैं, नंबर्स की। अगर यहाँ पे अल्फाबेट के जगह पे नंबर्स की के टू सेट्स ऐसे लिखा होता तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फाबेट कीज के टू सेट्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, जंबो द एलिफेंट वॉन्ट टू प्ले अ गेम्स ऑन द कंप्यूटर बट सम ऑफ द कीज आर हीज कीबोर्ड हैव अ फॉलन इन टू अ पाउंड। आइडेंटिफाई द कीज ऑफ द जंबो कीबोर्ड्स दैट हैज फॉलन इन टू द पाउंड एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइड। तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया है और कीबोर्ड में से कुछ कीज नीचे गिर गई है, पाउंड में गिर गई है, तो यहाँ पे स्पेस भी दिए कौन सी की कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कौन सी की में से, टू नंबर, सेवन नंबर की, कैप्स लॉक की, जी नंबर, देन उसके बाद एक ग्रेटर दैन, देन उसके बाद है एरो, देन उसके बाद फाइव नंबर्स, एंटर की एंड नाइन नंबर। सो दीज आर द कीज मिसिंग ऑन देयर कीबोर्ड, कीबोर्ड में ये वाले कीज मिसिंग है। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज फ्रॉम यूअर टेस्ट बुक, सम क्वेश्चन आंसर आई टेक आउट फ्रॉम यूअर टेस्ट बुक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके टेस्ट बुक से निकाले हुए हैं। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे टिक करना है। सो फर्स्ट नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस।
तो यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए, एंटर की, नंबर्स की, अल्फाबेट की एंड डिलीट की। अगर हमें वर्ड्स एंड सेंटेंस को लिखना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, एंटर की, नंबर्स की, अल्फ़ाबेट की एंड डिलीट की। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द अल्फ़ाबेट की, फॉर दैट वी आर यूजिंग द अल्फ़ाबेट की। जब हमें वर्ड्स एंड सेंटेंस को लिखना है तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेट की इसका यूज़ करते हैं। देन सेकंड नंबर, द ब्लैंक्स आर यूज फॉर टाइपिंग्स नंबर। जब हमें क्या करना है, नंबर्स को टाइप करना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, एंटर की, नंबर्स की, शेप्ट की एंड स्पेस बार की। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द एंटर की, फॉर दैट वी आर यूजिंग द सॉरी फॉर दैट वी आर यूजिंग द नंबर की। जब हमें नंबर्स टाइप करना है हमारे कंप्यूटर में तो उसके लिए हम कौन से की का यूज़ करते हैं, नंबर की, फॉर दैट वी आर यूजिंग द नंबर की। देन थ्री नंबर, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द ब्लैंक्स कीज। जो सबसे बड़ी कीज होती है हमारे कीबोर्ड में उसको क्या बोला जाता है, स्पेस बार की, डिलीट की, बैकस्पेस की, एंटर की। तो जो सबसे बड़ी कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, ये देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सबसे बड़ी वाली कीज होती है उसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द स्पेस बार की, दिस इज नोन एज द स्पेस बार की। नाउ फोर्थ नंबर, द ब्लैंक्स की इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। जब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम कौन से की यूज करते हैं, डिलीट की, अल्फाबेट की, नंबर्स की एंड एंटर की। फॉर दैट वी आर यूजिंग द एंटर की, व्हेन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, व्हेन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द एंटर की। सो हियर आंसर इज एंटर की। देन फाइनल, द ब्लैंक्स इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जब हमें लेफ्ट साइड से इरेज करना है सो उसके लिए हम कौन से की का यूज करते हैं, बैकस्पेस की, डिलीट की, स्पेस बार की एंड एंटर की। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द बैकस्पेस की, व्हेन वी वांट टू इरेज एनीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द बैकस्पेस की। देन नेक्स्ट इज द ब्लैंक्स इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जब हमें राइट साइड से इरेज करना है, व्हेन वी वांट टू इरेज एनीथिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द अल्फाबेट की, डिलीट की, नंबर की एंड एंटर दी। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द डिलीट की, व्हेन वी वांट टू इरेज एनीथिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द डिलीट की। सो हियर इज आंसर इज डिलीट की। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, मैच द फॉलोइंग। तो वन साइड पे आपको कीज के नाम दिए हैं और वन साइड पे आपको कीज ड्रॉ किए हैं, तो ये आपको मैच करना है। तो सबसे पहले डिलीट की है, देन स्पेस बार की है, सॉरी डिलीट की, बैक स्पेस की, स्पेस बार की, एंटर की एंड नंबर की। सो यहाँ से डिलीट की कौन से जगह पे है, थ्री नंबर, तो यहाँ पे हमने थ्री लिख दिया। देन बैकस्पेस की, बैकस्पेस की कौन सी है, दिस इज द बैकस्पेस की। बैकस्पेस की पे बैकस्पेस लिखा होता है, अदरवाइज एरो पे ड्रॉ किया होता है। तो ये बैकस्पेस की कौन से नंबर पे, फोर, तो यहाँ पे हमने फोर लिख दिया। देन स्पेस बार की, स्पेस बार की, दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन अवर कीबोर्ड, दिस इज नोन एज द स्पेस बार की। देन एंटर की, दिस वन इज द एंटर की, फाइव नंबर। एंड नंबर्स की, यहाँ पे टू नंबर्स की ड्रॉ की है, वो क्या है, नंबर्स की, तो टू नंबर का मैच होता है। तो ये आपको नाम भी लिखना है और यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, सर्कल द ऑड वन। यहाँ पे ऑड को हमें सर्कल करना है, तो यहाँ पे टू नंबर्स की है, वन है, एच है, फाइव है, सिक्स है, तो यहाँ पे ऑड क्या है, एच नंबर की कीज। बाकी नंबर्स की है सिर्फ ये अल्फाबेट कीज है। देन ए, टू, एच, जेड एंड बी, तो इसमें ऑड क्या है, टू नंबर्स, क्योंकि टू नंबर्स क्या है, नंबर्स की है और बाकी की क्या है, अल्फाबेट की है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री। सो दिस क्वेश्चन नंबर वन,
2 and 3, these all of you write in your notebook. इसकी PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, तो ये आपको सारा कहाँ पे लिखना है, आपके नोटबुक में लिखना है. एंड आफ्टर राइटिंग योर नोटबुक, देन आफ्टर यू विल सेंड इन योर होमवर्क ग्रुप. उसके बाद आपको कहाँ पे सेंड करना है, आपके होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, दिस ऑल ऑफ यू राइट इन योर नोटबुक, कहाँ लिखना है, नोटबुक में लिखना है. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.